नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोनिका। माँ दुर्गा के पावन त्योहार में भक्त पूरी आस्था के साथ माता की आराधना में लीन हो रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चैत्र नवरात्रि के अवसर पर चंपावत जिले के टनकपुर स्थित प्रसिद्ध धाम माँ पूर्णागिरी मंदिर में दर्शन कर पूजा पाठ की और प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर समिति द्वारा रखे गए स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए संकल्पित है। उन्होंने लादीघाट से पूर्णागिरी मंदिर तक लिफ्ट पेयजल योजना के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत हो जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को नंबर वन बनाए जाने पर काम किया जाएगा और उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए हमारी सरकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। पूरे रोड मैप के अनुसार कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माँ पूर्णागिरी धाम भारत का प्रसिद्ध धाम है। यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संचार सुविधाओं को भी मजबूत किया जाएगा और इस दौरान वहाँ समस्त लोग मौजूद रहे। तो सीएम धामी से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।